Click here to subscribe to our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of our free videos. चलिए फर्स्ट आई डिस्कस अबाउट कि हाउ टू प्रोसीड विद द सिलेबस आप कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू रेफर टू पेपर वन, द पेपर वन हैज 12 टॉपिक्स एंड पेपर टू हैज 14 टॉपिक्स, बट सम ऑफ द टॉपिक्स आर क्वाइट सिमिलर। जैसे पेपर वन इज कंसर्न अबाउट द थियोरेटिकल एस्पेक्ट, पेपर टू इज कंसर्न अबाउट एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया आपका। तो पहले दो कॉलम बना लीजिए कि टॉपिक्स विच आर कॉमन इन द केस ऑफ पेपर वन एंड पेपर टू। जो है पेपर वन एंड पेपर टू, इन द केस ऑफ पेपर वन रेफर टू टॉपिक नंबर 5, एंड इज कंसर्न अबाउट अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल आप कर रहे हैं। तो इन द केस ऑफ पेपर वन रेफर टू टॉपिक नंबर 5, एंड वंस यू रेफर टू टॉपिक नंबर 5, तो साइड बाय साइड रेफर टू टॉपिक नंबर 14 इन द केस ऑफ पेपर टू। ठीक है। सिमिलरली व्हेन यू रेफर टू टॉपिक नंबर 9 इन द केस ऑफ पेपर वन, साइड बाय साइड रेफर टू टॉपिक नंबर 8 इन द केस ऑफ पेपर टू। क्लियर। सिमिलरली टॉपिक नंबर 11 इन द केस ऑफ पेपर वन शुड बी इंटीग्रेटेड विथ टॉपिक नंबर 10 in the case of paper 2, and both these topics are concerned with the administrative reform after. And then with topic number 12 in the case of paper 1, you refer to topic number 9 in the case of paper 2. Now remember, these four topics have direct correlation. Even other टॉपिक्स, देर आर सम सब टॉपिक्स विच आर कॉमन इन द केस ऑफ पेपर वन एंड पेपर टू आपका। तो दीज टॉपिक्स मस्ट बी डन साइमल्टेनियसली। जो क्लियर, तो इफेक्टिवली कह सकते हैं पब्लिक एड में वी हैव नियरली 20 टॉपिक्स आपका। जो है लुक्स टू बी 26, इफेक्टिवली इट इज 20 टॉपिक्स आपका। अंदर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज कि सिलेबस इज वेरी कंसाइज एंड कॉम्पैक्ट बिकॉज टॉपिक्स आर हाईली कोरिलेटेड। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट रेफर टू पेपर वन। इन द केस ऑफ पेपर वन टॉपिक नंबर 1 डील्स विथ इंट्रोडक्शन। नाउ रिमेंबर दिस इंट्रोडक्शन टॉपिक मस्ट बी डन ट्वाइस, वन व्हेन यू बिगिन द सिलेबस एंड देन व्हेन यू कंप्लीट द सिलेबस। जैसे खास रेफर कीजिए, जरा वन में आपको सब टॉपिक मिलेगा इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस, कि लोक प्रशासन का विकास एवं इसकी वर्तमान स्थिति टॉपिक नंबर 1 में जो, ठीक है। अब बताइए इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस, कैन वी से कि एनी टॉपिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी आउटसाइड दिस टॉपिक। एवरी टॉपिक हैज टू कम अंडर इवोल्यूशन आपका। जो क्लियर, एंड देयरफॉर व्हेन यू रेफर टू इंट्रोडक्शन, तो इट विल नॉट बी क्लियर एट दिस स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन, दिस बी क्लियर ओनली वेन यू कंप्लीट दी होल ऑफ सिलेबस आपका। तो इंट्रोडक्शन मस्ट बी डन ट्वाइस, वंस वेन यू बिगिन द सिलेबस एंड वंस वेन यू कंप्लीट द सिलेबस। तो टॉपिक 1 को 2 बार कीजिएगा, सिलेबस को शुरू करने के टाइम में और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद। जो है उसके बाद आइए वेन यू कम टू अदर टॉपिक्स ऑफ पेपर 1, इसमें थोड़ा सा ग्रुपिंग कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ग्रुपिंग के टर्म्स में टॉपिक नंबर 2 प्लस टॉपिक नंबर 3 प्लस हेडक्वार्टर फिट प्लस टॉपिक नंबर 4, एंड ऑल दीज 3 टॉपिक्स दे आर बेसिकली कंसर्न अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी आपका।
तो टॉपिक नंबर टू प्लस टॉपिक नंबर थ्री प्लस टॉपिक नंबर फोर आपका, उसके बाद का ग्रुपिंग कर लीजिए टॉपिक नंबर सेवन प्लस टॉपिक नंबर एट। सेवन किसको डील करता है? कॉम्परेटिव। एट इज कंसर्न अबाउट डेवलपमेंट आपका। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज कॉम्परेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स, वन इन द टर्म्स ऑफ थ्योरी बिल्डिंग, अनदर इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्परेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के दो आयाम है, एक होता है सिद्धांत का निर्माण, दूसरा होता है विकास प्रशासन। तो टॉपिक नंबर एट क्या है? इट इज वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ टॉपिक नंबर सेवन आपका। तो सेवन प्लस एट को कंबाइन कर लीजिए। उसके बाद इस सीक्वेंस को फॉलो करने के बाद बाकी जो टॉपिक है उसमें चाहे तो नोट कर लीजिए। उसके बाद ग्रुप कर लीजिए, फाइव प्लस सिक्स एक ग्रुप बनाइए। उसके बाद टॉपिक टेन, उसके बाद इलेवन और ट्वेल्व, इस सीक्वेंस को लेके चलिएगा। क्लियर? अब आइए पेपर टू पे जो है। इन द केस ऑफ पेपर टू यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर फोर पेपर टू में, और टॉपिक नंबर फोर को कंबाइन कर दीजिए विथ टॉपिक नंबर सिक्स। एडवांटेज देखिए इसका, टॉपिक नंबर फोर इज कंसर्न अबाउट यूनियन गवर्नमेंट, सिक्स इज कंसर्न अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैबिनेट सेक्रेटरी विथ रेस्पेक्ट टू चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी कहां पढ़ेंगे? फोर में, चीफ सेक्रेटरी पढ़ेंगे सिक्स में आपका। वी हैव टू डिस्कस अबाउट सेक्रेटेरिएट, सचिवालय, सेंटर का भी है और स्टेट का भी है। क्लियर? इसलिए टॉपिक फोर एंड सिक्स मस्ट बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल ब्लॉक आप कर रहे हैं। इसके बाद नोट कर लीजिए फोर सिक्स के बाद, तब अगला टॉपिक कीजिए डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया सेवन प्लस इलेवन प्लस ट्वेल्व प्लस थर्टीन। अब आइए सेवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिला प्रशासन, तो बिलो स्टेट हम लोग किसकी बात करते हैं? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। इलेवन इज कंसर्न अबाउट पंचायत रूरल डेवलपमेंट, ट्वेल्व इज कंसर्न विथ म्यूनिसिपालिटी अर्बन डेवलपमेंट, एंड थर्टीन इज कंसर्न अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर आपका। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, उठाया टॉपिक सेवन से, कहां ले गया? टॉपिक नंबर थर्टीन पे। क्वेश्चन पूछेगा रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू वर्किंग ऑफ पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहां है? सेवन, पंचायत कहां पे? इलेवन आपका। क्वेश्चन पूछेगा डिस्कस अबाउट इंटरलिंकेज बिटवीन पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटी, पंचायत कहां पड़े? इलेवन, म्यूनिसिपालिटी का ट्वेल्व में आपका। क्लियर? तो दिस टॉपिक्स कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड आपका। नेक्स्ट आप नोट कर लीजिए, अगला सिक्वेंस बताइए प्लानिंग एंड ये टॉपिक नंबर फाइव, या सक लीजिए थ्री प्लस फाइव कर लीजिए। टॉपिक नंबर थ्री इज कंसर्न अबाउट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड टॉपिक नंबर फाइव इज कंसर्न अबाउट प्लान्स। बोथ दिस टॉपिक्स ऑल्दो दे आर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दे हैव गॉट बिट ऑफ इकोनॉमिक्स ओरिएंटेशन, जैसे पीएसयू है, प्राइवेटाइजेशन है, डिसइन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट, उसी तरह से प्लानिंग आपका। अब इसमें ध्यान रखिएगा चूंकि फाइव ईयर प्लान तो खत्म हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, नाउ वी हैव नीति आयोग, तो ट्वेल्थ प्लान इज द लास्ट प्लान आपका। तो इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा प्लान एंड प्रायोरिटीज में, सिलेबस डज नॉट मेंशन अबाउट नीति आयोग, आप ऐड कर लीजिए नीति आयोग जो है। इट मेंशंस अबाउट प्लानिंग कमीशन एनडीसी, तो प्लानिंग कमीशन हैज बीन एबॉलिश्ड आप, क्या थी नीति आयोग क्या फिर सेवन इयर्स का? नहीं नहीं सेवन इयर्स का नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ट्वेल्थ प्लान जो था, ट्वेल्थ प्लान इज फ्रॉम 2012 टू 2017, ठीक है? नेक्स्ट प्लान के नाम नीति आयोग इन प्लेस ऑफ फाइव ईयर प्लान, नो इट हैज फॉर्मुलेटेड थ्री डॉक्यूमेंट्स आपका। एक है थ्री ईयर नेशनल एक्शन एजेंडा जो है 17 से लेके 20 तक, दूसरा है सेवन ईयर्स स्ट्रेटजी विजन, और तीसरा है 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट आपका।
तो अब प्लान के जगह पे नीति आयोग हैज गॉन फॉर ऑल दिस थ्री डॉक्यूमेंट्स आर देयर। ठीक है, और खास करके चूंकि जब बात चली है तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर पढ़ लीजिएगा थ्री ईयर एक्शन एजेंडा जो है, इतना अच्छा डॉक्यूमेंट है कि पूरे जीएस को समराइज कर देता है जो। तो थ्री ईयर नेशनल एक्शन एजेंडा पब्लिश बाय नीति आयोग विच इज फॉर 2017 टू 2020 आपका जो है। हाँ, 3+5 के बाद जो टॉपिक बच गया, यू कैन टेक एनी सीक्वेंस बट टॉपिक नंबर 1 मस्ट बी डन इन द लास्ट। टॉपिक नंबर 1 शुड बी डन इन द लास्ट। और इसमें खास करके ध्यान रखिएगा कि टॉपिक 1 इज कंसर्न अबाउट इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या कीजिएगा, डू नॉट रेफर टू दिस टॉपिक सेपरेटली। जैसे when you refer to any of the administrative institution, always look for the historical development. जैसे मान लीजिए syllabus कहता है district administration, इंडिया में district कब से देखने को मिलता है, from which time period we have the importance of district in the case of India, and what is district? District is the territorial unit created for administrative purpose. Starting से लेके चलिए इंडिया में टेरिटरी हैज बीन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रिकॉल कीजिए मनुस्मृति, मनुस्मृति कहता है कि नियरली 1000 to 1200 विलेज शुड बी प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर जो है। अगर आज के डिस्ट्रिक्ट को आप लेके चलिए तो रफली दैट करोस्पॉन्ड टू 1000 to 1200 विलेजेस। तो मनुस्मृति में जो कहा गया डिस्ट्रिक्ट के बारे में, that even prevails as on date आपका। When you come to Mauryan time, you must have heard the name of Rajuka. Rajuka क्या था? He was the administrative head of a territory. जब आगे बढ़िएगा गुप्ता पीरियड में, वहां पे BCS सुने होंगे। And what was BCS? BCS was the unit of administration below provinces आपका, और BCS का head होता था विषयपति। याद पड़ा? When you come to Mughal period, below the provinces we had Sirkar, and Sirkar is a Persian word. उसी को Indians pronounce करते थे सरकार, नहीं? And head of the Sirkar was considered to be करोड़ी फौजदार, उसको कहते थे आज का district collector आप कह सकते हैं। इसलिए district collector क्या कहना शुरू किए, सरकार माई बाप। ये word कहां से निकला था? Mughal period से आपका। क्या मतलब हुआ कि although we have district as the unit of administration in the case of India as on it, लेकिन इसका origin कब से मिलता है? Ancient times से। तो best तरीका क्या है? जब district administration पढ़े उसी समय देख लिए उसका historical development कैसे हुआ। ये automatic topic अपने आप में complete होगा। जैसे आप पढ़ते हैं secretariat, किसका legacy है? Britishers का। We refer to secretariat, side by side refer to the historical development of secretariat। आप पढ़ते हैं पंचायत के बारे में, किसको कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, किसको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया, कि भारत में स्थानीय सरकार का जनक या पिता है। यस प्लीज, लॉर्ड रिपन 1882। तो बेस्ट तरीका क्या है, जब पंचायत पढ़े तो स्टार्टिंग से देख लिए कि हाउ पंचायत सेल इवॉल्व इन द केस ऑफ इंडिया। इससे क्या होगा, जो टॉपिक नंबर 1 है इट शैल बी ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड आपका। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहता है डिस्कस द चेंजिंग रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंडिया, तो चेंजिंग रोल की बात करेगा तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक को उठाए, उसको लिंकअप किसके साथ कर दिए, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से। तो दिस टॉपिक शुड नॉट बी डन सेपरेटली। जब भी पब्लिक एड के किसी भी एस्पेक्ट को पढ़ते हैं तो ऑलवेज लुक फॉर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ इज द लीगेसी ऑफ ब्रिटिशर्स, और जो ब्रिटिशर्स का लीगेसी था इट हैड द इम्पैक्ट ऑफ मुगल पीरियड, और मुगल में इम्पैक्ट किसका था, एंशिएंट टाइम का था। इसलिए कहा जाता है इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डज इट ओनली इंडिकेट चेंज, और इवोल्यूशन इज चेंज विद कंटिन्यूटी। इसको कहते हैं इवोल्यूशन एंड विकास, सिर्फ चेंज को परिवर्तन को, या चेंज विद कंटिन्यूटी परिवर्तन के साथ साथ निरंतरता, चेंज विद कंटिन्यूटी आपका। इसलिए दोनों चीज समझना है,
कैसे चेंज हुआ और कितना कहां पे कंटिन्यूटी था. तो दैट विल मेक अस क्लियर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. पॉइंट इज क्लियर. इसलिए बेस्ट तरीका होता है कि थोड़ा सा टॉपिक के सीक्वेंस को चेंज करके चलिए, टॉपिक को ग्रुप कर लीजिए ब्लॉक के टर्म्स में. उस केस में इन लेस इनपुट यू कैन गेट मोर आउटपुट आपका जो एक टू. अगला चीज नोट कर लीजिए, इसके लिए रीडिंग आपको क्या क्या करना है. सबसे पहला टेकअप कीजिए क्लास 11 एनसीईआरटी बुक. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारतीय संविधान करके आता है. पहले आप इसको टेकअप कर लीजिए. अब इससे थोड़ा सा आपको पता चलेगा अबाउट द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. बिकॉज व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच डील्स विद द गवर्नमेंटल सिस्टम. जैसे गवर्नमेंटल सिस्टम का पब्लिक एड होगा, नॉन गवर्नमेंटल सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन उसको क्या कहते हैं? प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आपका. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरली कंसर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेटिंग विद रेस्पेक्ट टू गवर्नमेंट. और जहां गवर्नमेंट की बात करेंगे, व्हाट इज गवर्नमेंट? कंसिस्टिंग ऑफ पार्लियामेंट, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी. बट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस आउटसाइड द गवर्नमेंट. आउटसाइड द गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? आउटसाइड पार्लियामेंट, आउटसाइड एक्सिक्यूटिव, आउटसाइड जुडिशियरी. नटसेल में ध्यान रखिए, जब कहते हैं पार्लियामेंट तो किसको लेके चलते हैं? व्हाट इज पार्लियामेंट? संसद क्या होता है? वेरी गुड. प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्लस सिविल सर्वेंट. एंड व्हाट इज जुडिशियरी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ग्राम न्यायालय. इनको माइनस कर दीजिए. बाकी जितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, देयर ऑल्सो वी हैव द इंपॉर्टेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. They will come under private administration act. And since public administration is primarily concerned about the administration with respect to the working of the governmental system, so we must have some basic background of the working of the government. And this we can get by going through NCERT book of class 11th. So pahle NCERT book padh lijiye, usko note kar lijiye. For paper 1, refer to public administration by Sharma and Sadana. दोनों मीडियम में आती है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय शर्मा एंड सडाना जो. और पेपर 2 के नोट कर लीजिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बाय अवस्थी एंड अवस्थी. ये भी दोनों मीडियम का, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी है. अवस्थी एंड अवस्थी जो, अवस्थी एंड अवस्थी, अवस्थी एंड अवस्थी जो, ठीक है. अब आइए, आपका मीडियम क्या था? आपका मीडियम इंग्लिश है. सबसे पहला काम कीजिए, टेक अप बोथ दीज बुक्स, रीड कवर टू कवर विदाउट लुकिंग एट द सिलेबस. ये दोनों किताब को, शर्मा सडाना कैटर्स टू पेपर 1 एंड अवस्थी अवस्थी इज मेंट फॉर पेपर 2. जब ये दो बुक को आप करते हैं तो स्टार्टिंग में कवर टू कवर कीजिए लाइक अ नॉवल. जैसे नॉवल पढ़ते हो, उससे पूरे बुक को पढ़ जाइए. व्हेन यू कम टू सेकंड रीडिंग, तब क्या कीजिए? सिलेबस को उठाइए एंड देन फोकस अपॉन दोस टॉपिक्स विच आर मेंशन इन द केस ऑफ सिलेबस आपका. तो पहला रीडिंग कवर टू कवर लाइक अ नॉवल विदाउट लुकिंग एट द सिलेबस. जो सेकेंड रीडिंग होगा उसमें क्या करेंगे? टेक द टॉपिक्स विच आर मेंशन इन द केस ऑफ सिलेबस एंड साइड बाय साइड कवर फ्रॉम दीज टू बुक्स आपका जो. ये दो बुक को करने के बाद देन रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. बिना बुक पढ़े पिछले साल के क्वेश्चंस को देखने कोई मतलब नहीं होता. रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और तब देखिए कि विच आर द टॉपिक्स इन विच यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इवन आफ्टर गोइंग थ्रू दीज टू बुक्स आपका जो. तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू गो फॉर सम स्पेशलाइज्ड बुक रीडिंग. कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट इसी दो किताब पे पूरा पब्लिक एड को मैनेज कर लेते हैं, तो दे आर नॉट सपोज टू गो फॉर एनी अदर बुक. अब जैसे मान लीजिए आपने बुक्स को पढ़ा और अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस को लेकर, तो उसमें इंग्लिश में पढ़ लीजिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बाय MJK थावराज, हिंदी में पढ़ लीजिए वित्तीय प्रशासन PM गौतम.
क्लियर। अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम होता है कुछ लोकल गवर्नमेंट के केस में, तो दर इज बुक ऑन लोकल गवर्नमेंट बाय एसआर महेश्वर। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत होता है, हिंदी में किताब है राज्य प्रशासन सुरेंद्र कटारिया, इंग्लिश में किताब है स्टेट गवर्नमेंट इंडिया बाय एसआर महेश्वर। लेकिन वो कब पता चलेगा? After going through these two books, because these two books cover each and every topic of the syllabus. Once you have gone through each and every topic of the syllabus, and then if you find any kind of problem with respect to any one topic, then refer to the specialized books आपका। और specialized books में क्या करना है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है आपको, जो topic आपको दिया है तो हर book से hardly आपको 25 to 30 pages पढ़ना होगा। उसमें क्या कीजिएगा, आप ये दो बुक्स परचेज कर लीजिए, इट इज मेंट फॉर बेसिक रीडिंग, और जिस टॉपिक में दिक्कत हो उसका जो बुक चाहिए वो यहां से आप ले लीजिएगा, रेलिवेंट पेज फोटोकॉपी करा लीजिएगा। लेकिन वो सेकंड स्टेज, पहला स्टेज में क्या होगा, ट्राई टू मैनेज होल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय गोइंग थ्रू दीज टू बेसिक बुक्स आपका, और आप मैनेज कर सकते हैं। उसमें फिर दिक्कत होगा, दैट कैन गो फॉर सम स्पेशलाइज्ड रीडिंग आपका। तो स्पेशलाइज्ड बुक रीडिंग का लिस्ट अभी आपको नहीं देने, वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअली। जैसे आपको जिस टॉपिक में दिक्कत है उसका बुक आपको बता देंगे, आपको दिक्कत होगा आपको बता देंगे, उसको सप्लीमेंट कर दीजिएगा। लेकिन बेसिक बुक होगा शर्मा सडाना अवस्थियन अवस्थी आपका, एंड दिस बुक डील्स विद ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज मेंशन इन द सिलेबस आपका। इसलिए बहुत ध्यान रखिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस इतना कॉन्साइज कॉम्पैक्ट है। और आपको बता दें कि बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, व्हेन यू गो फॉर कवरेज ऑफ मोर नंबर ऑफ टॉपिक्स योर वर्क लोड इंक्रीजेस, भाई जितना टॉपिक बढ़ेगा कार्यभार बढ़ेगा। पब्लिक एड की एक खासियत है कि अगर आपने ठीक से इसको अंडरस्टैंड किया है तो जितना टॉपिक बढ़ेगा आपका वर्क लोड कम होगा। और क्यों कम होगा, बिकॉज दैट विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग आपका। प्लस इसमें खास करके ये सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल भी है लेकिन टेक्निकल भी है। नॉन टेक्निकल इसलिए कहा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है। जरा सिलेबस को उठा के देखिए, पॉल साइंस, लॉ, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, आप कोई सब्जेक्ट का नाम लीजिए, इट इज वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका नेचर बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी है, और इसीलिए जो पब्लिक एड अच्छे से करता है उसको जीएस में काफी हेल्प मिलता है, क्योंकि जीएस भी क्या है, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी आपका। और टेक्निकल इस सेंस में हम लोग कहते हैं कि दिस सब्जेक्ट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज करके यू कैन नॉट डू जस्टिस विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए जो लोग पवेड में अच्छा करते हैं बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो लोग अच्छा नहीं कर पाते बिकॉज दे डिपेंड मोर ऑन मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट आप। प्लस जैसे आप ही कह रही थी कि अक्सर एक तरह का होता है सब्जेक्ट को लेके, दो तीन पॉइंट ध्यान रखिए, मैं डिसाइड अबाउट सब्जेक्ट। एक्चुअली नेवर गो फॉर एनी सब्जेक्ट बिकॉज आई से समथिंग और अदर से समथिंग, उस पर बिल्कुल मत जाइएगा। अब जैसे मान लीजिए, अब मेरा पब्लिक एड है, तो हमेशा हम कहेंगे पब्लिक एड इज अ गुड सब्जेक्ट फॉर मी, बट मे बी इट मे नॉट सूट यू। क्लियर? तो बेस्ट तरीका when you decide for this subject, decide on your own, do not be guided by anyone, not even me. ab hai ki how to decide, uska tarika bata rahe, always give importance to your interest and aptitude. agar wo aapka banta hai to subject aap lijiye, wo nahi banta hai to subject aap mat opt kijiye. lekin never go for this consideration ki this subject is more scoring, this subject is less scoring. कभी सब्जेक्ट स्कोरिंग हो ही नहीं सकता है। मैथ्स बहुत स्कोरिंग है, क्या मैथ्स में आप स्कोर कर सकती हैं बताइए? तो मैथ्स स्कोरिंग किसके लिए है, जो स्कोर कर सकता है, या फॉरगेट अबाउट दैट। छोटा सा एग्जांपल देखिए, जनरल स्टडी सबके लिए सेम सिलेबस, सेम क्वेश्चन पेपर, क्या डज एवरीवन स्कोर सेम मार्क्स? अगर पेपर के कारण नंबर आता तो सबको नंबर आता है, और पेपर के कारण नंबर नहीं आता तो किसी को नहीं आता, कुछ को आता है और कुछ को नहीं आता है। इस कंसिडरेशन पे बिल्कुल मत जाइएगा, दैट इज स्कोरिंग पैटर्न आपका। आपको बता दें, एवरी सब्जेक्ट स्कोरिंग प्रोवाइडेड इट मैचेज योर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। और इंटरेस्ट एप्टीट्यूड को मैच कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, दो बेसिक किताब है,
उससे बेटर है कि थोड़ा सा पढ़ के तब डिसाइड अदर देन व्हाट समवन हैज सेड। एक तो टॉपिक उठा के पढ़िए और आपको बता दें इन एवरी सब्जेक्ट सम पोर्शंस आर वाटरलू, जो डिफिकल्ट होता है उसको ओवरकम करना पड़ेगा आपको, चाहे पवेट लें, चाहे पॉल साइंस लें, चाहे ज्योग्राफी लें या हिस्ट्री लें। अक्सर क्या होता है कि हम लोग उस पोर्शन को बेस मान के डिसाइड करते हैं, जबकि हर सब्जेक्ट में कुछ पोर्शन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अब जरा पॉइंट समझिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट टॉट एट ग्रेजुएशन और पीजी लेवल मोर वाइडली। यहां तक दिल्ली की बात करें, ड्यू में देयर इज नो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जेएनयू में देयर इज नो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जामिया में देयर इज नो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एड का टीचिंग कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में है। कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे आर न्यू कमर्स, दे डू नॉट हैव एनी एकेडमिक बैकग्राउंड, तो ऑल स्टूडेंट्स आर एट पार। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे यू कैन एक्सेल बेटर देन अदर्स। हिस्ट्री लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, सोशियोलॉजी लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, तो कुछ बच्चे उस बैकग्राउंड से पहले से आ रहे हैं। और बट नेचुरल अगर किसी ने 3 साल 5 साल सब्जेक्ट को पढ़ा है और आप नए हैं तो थोड़ा उसका सिचुएशन आपसे बेटर होगा। दूसरा चीज, व्हेन यू डिसाइड फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू द सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज, पेपर टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस विच कॉन्स्टिट्यूट नियरली 80% ऑफ जीएस पेपर टू, एक पोर्सन आईआर आपका होता है, एंड पेपर फॉर एथिक्स आपका। अक्सर हम लोग कहते हैं एथिक्स फिलोसफी का है, लेकिन ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। पूरे सिलेबस को देखिएगा, एथिक्स का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, मेडिकल का एथिक्स होता है, एनवायरमेंट का एथिक्स होता है, एडवोकेट्स का एथिक्स होता है, क्रिमिनल का भी एथिक्स होता है, और उसका एथिक्स अधिक स्ट्रांग होता है हम लोगों से। क्या होता है क्रिमिनल का एथिक्स, एक दूसरे के एरिया में इनक्रोच नहीं करेंगे, अगर कोई डील हो गया तो दैट मस्ट बी डन आपका। क्रिमिनल्स आल्सो हैव देयर एथिक्स, इसलिए हर प्रोफेशन का एथिक्स होता है। हम लोग सिविल सर्विसेज की बात करें तो हम लोग के एथिक्स का कॉन्टेस्ट क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। और घर पे जाके सिलेबस को उठा के देखिएगा, जीएस पेपर 4 का हर टॉपिक के साथ लास्ट में दिया एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। पब्लिक सर्विसेज वैल्यूज, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पेपर टू पेपर 4 को मिला दीजिए 40% जो जीएस का कवरेज है, दैट इज बेस्ड ऑन द कवरेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम ये नहीं कह रहे कि पब्लिक एड पढ़ के आप जीएस में ऑटोमेटिक अच्छा करेंगे, वहां से मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन वंस यू हैव द ओरिएंटेशन ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर तो इट इज मोर पॉसिबल फॉर यू टू डू जस्टिस इन द केस ऑफ जीएस। इसीलिए जब बच्चा पवेट लेता है, जब मार्क्स को काउंट करता है, तो सिर्फ पवेट के मार्क्स को मत देखिए, वो जीएस में कितना इनपुट दिया वो दिखता नहीं है, वो एसे में कितना इनपुट दिया दिखता नहीं, क्योंकि एसे क्या होता है, सोशल इश्यूज पे होगा, इकोनॉमिक इश्यूज पे होगा, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज पे होगा, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज पे होता है। एसे का टॉपिक उठा के देखिए, देयर मस्ट बी सम टॉपिक विच हैव सम काइंड ऑफ लिंकेज विद वर्किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और द गवर्नमेंट ऑफ। और ऐसे भी आपको बता दें कि जब गवर्नमेंट को आप पढ़ते हैं तो आप खुद देखिए जीएस के जितने टॉपिक को, टॉपिक का नाम बताइए, जरा से बताइए पहले अपने से, कोई जीएस का टॉपिक बताइए, जितने जीएस के टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर है, अगर मैं आपसे कहूं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट मैटर ऑफ जीएस इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, राइट और रॉन्ग, ईच ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जीएस इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 52 मिनिस्ट्रीज है और 2 इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, क्या जीएस का कोई ऐसा टॉपिक है जो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के बाहर, कोई टॉपिक बताइए, कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, नहीं, एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। जब बच्चा गवर्नमेंट को पढ़ता है तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को पढ़ता है, गवर्नमेंट के लॉज को पढ़ता है, दिस हैज गॉट इम्प्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज मेंशन इन द सिलेबस। तो आई एम नॉट सेइंग कि ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन हैव कमांड ओवर जीएस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन डू मोर जस्टिस इन द केस ऑफ जनरल स्टडीज आपका। और सिलेबस का लेंथ और ब्रेथ देखिए, और कभी सिलेबस के लेंथ को स्केल से मत नापिएगा, नहीं,
ट्राई टू एग्जामिन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द सिलेबस ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट आपका, और कंटेंट इसका इतना प्रिसाइज है, कंसाइज है, जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा दूसरे टॉपिक पे आइएगा तो अंडरस्टैंडिंग इतना बढ़ता है कि लगता है पिछला टॉपिक तो बिल्कुल कुछ था ही नहीं हमारे लिए उस केस में, तो दैट इज द बेसिक नेचर एंड ब्यूटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. बट ऑल सेट देन डन, आई विल अगेन से do not decide what the optional on the basis of what I say, what others say. Decide on the basis of your own आपका. So, struggle किसको करना होगा? आपको करना होगा. हमको नहीं करना, आपको करना. हमको struggle जो करना था वो तुम कर चुके हैं उस केस में सब्जेक्ट में. इसलिए सब्जेक्ट को हमेशा डिसाइड कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन परसेप्शन. और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा स्कोरिंग. आप सोचिए ना, जो आपसे बोले कि सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, इसको आप बताइए हम इसको ऑप्ट कर रहे हैं, कैन यू इंश्योर? अगर कोई आपसे कहता है हिस्ट्री इज मोस्ट स्कोरिंग, तो आप उससे बोले मैं हिस्ट्री ऑप्ट कर रहा हूं, कैन यू गारंटी दैट स्कोर इन द केस ऑफ हिस्ट्री? वो गारंटी ले सकता है? हम तो नहीं ले सकते पवेट कर. इसलिए मैंने कहा इट इज बेटर डिसाइड सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स. ठीक हाँ, वंस यू हैव डिसाइडेड देन डेफिनेटली आई कैन से वंस वी इंटरेक्ट यू आर इन द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर हैंड आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है. पायलट आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से लैंड कराएंगे, टेक ऑफ कराएंगे सब्जेक्ट में, कोई जर्क भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा पब्लिक एड कहाँ शुरू किए और कहाँ पे खत्म हो गया उसके. लेकिन सब्जेक्ट को डिसाइड करना वो खुद आप लोग को करना होगा. उसमें हम आपको पैरामीटर्स बता सकते हैं, आई कैन नॉट गो फॉर रिजल्ट एंड आप करते हैं, ठीक है. पर आपको खुद बता रहे हैं कि पवेट का इतना एडवांटेज होता है कि जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, हम लोग बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर थे या हैं भी आज के डेट में. जब सिस्टम बदला तो ऑप्शनल का थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट के बीच में क्रेज खत्म हो गया. क्यों क्रेज खत्म होगा? क्योंकि पहले ऑप्शनल प्री में भी था, तो बच्चे प्री से स्टार्ट करते थे ऑप्शनल पढ़ना, मेंस तक आते थे. अब क्या है, ये सिर्फ मेंस पे बचा है. तो वही बच्चा ऑप्शनल पढ़ता है, इसको प्री में कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो आज ना कल तो हम प्री पास करके मेंस अपीयर करेंगे. तो ऐसे बच्चों का स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है. तो बेसिकली क्या हुआ कि होल कोचिंग इंडस्ट्री और मार्केट बिकेम जीएस सेंट्रिक आपका जो, तो ऑप्शनल का थोड़ा सा वेटेज कम हो गया स्टूडेंट की नजर में. पहले प्री में भी था तो बच्चे क्या करते, स्टार्टिंग फ्रॉम प्री सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते थे. लेकिन आज मैं जीएस में पॉलिटी गवर्नेंस एथिक्स ऑल इंडिया में पढ़ाता हूं, जबकि नॉट बिकॉज ऑफ एथिक्स, नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटी गवर्नेंस, बिकॉज ऑफ माई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो मैंने खुद देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर होने के नाते अगर मैं जीएस को इतना इफेक्टिवली डील कर रहा हूं, इसका मतलब तो जो स्टूडेंट पब्लिक एड पढ़ता है वो भी इसको बड़ा इफेक्टिवली एग्जाम में डील कर सकता है. एंड इट्स नॉट ओनली दिल्ली, क्योंकि आई एम वेरी मॉडर्स्ट टीचर. मैं अपने मैंने बताता ना, मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैं जाता हूँ एथिक्स और पॉलिटी गवर्नेंस पढ़ाने. और यही कारण है कि चाह के पब्लिक एड का बैच हम दिल्ली में नहीं ले पाते, क्योंकि मैं दिल्ली में उतना रहता ही नहीं, एक टाइम नहीं होता कंटिन्यूटी का. बट नॉट डिसाइडेड कि कुछ टाइम पवेट ऑप्शनल को भी देंगे. बीच में मार्केट में रिवर भी था, ऑप्शनल खत्म कर रहा है, तो बच्चों को भी था, उसके हम लोग को भी था. अगर सब्जेक्ट खत्म कर देगा देन वाई टू गिव इनपुट एक्चुअली जो है, ठीक है. तो इसलिए बता रहे हैं कि पवेट में सब्जेक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली लेना ना लेना वो डिपेंड करता है आप पे जो है, ठीक है. चूंकि मुझे पब्लिक एड ने बहुत पे किया इस फील्ड में, और जो स्टूडेंट पवेट लिया वो मार्क्स पवेट का नहीं देखता ना, जीएस में कितना इनपुट दिया ये भी देखिए, एसए में कितना इनपुट दिया. और सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यू हैव द लेवल ऑफ कंफर्ट इन जीएस आपका, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. और जहां लेवल ऑफ कंफर्ट होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आपका इंटरेस्ट जनरेट होता है. जब इंटरेस्ट होगा तो एप्टीट्यूड तो बढ़ना ही पड़ना उसके, ठीक है. तो स्टार्टिंग में क्या कीजिए, पहले दो बुक को आप स्टार्ट कीजिए. क्लासेज जो है हम स्टार्ट करेंगे विद इन 4 to 5 days, ठीक है. वो कम्युनिकेट कर देंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे आ जाएगा उसके इसमें. तब तक आप काम कीजिए क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक 2-3 बार पढ़ लीजिएगा. दूसरा चीज, सिलेबस के टॉपिक्स को मेमोराइज कर लीजिए. मेमोराइज मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं करना. जैसे मान लीजिए हमको पता है कि सिलेबस में एसएचजी दिया हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमको पता है सिलेबस में दिया है रेगुलेटरी बॉडी, हमको पता है कि सिलेबस में दिया है वीमेंस डेवलपमेंट. इसका फायदा क्या, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, उन टॉपिक पे अधिक हम फोकस करेंगे, क्लियर. तो सिलेबस को बिल्कुल हमेशा अपने माइंड में रखिए. और जब भी कुछ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा हम लोग क्यों पब्लिक एड पढ़ने आए हैं,
नॉट बिकॉज कि पब्लिक एड का हम लोग को मास्टर बनना है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग अच्छा स्कोर कर सके, और एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का मतलब कि सिलेबस में हमारी मास्टरी होनी चाहिए, मतलब सिलेबस को पूरा कमांड रखिए, ताकि जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, जहां से जो इनपुट मिले उस इनपुट को आप इनकॉर्पोरेट कर सके। दूसरा चीज है, डू नॉट गो फॉर नोट मेकिंग। जैसे अक्सर होता है नोट बनाते हैं, नोट्स बिल्कुल मत बनाइए। दो बेसिक किताब है, शर्मा अवस्थी अनवस्थी, उस पूरे बुक को आप नोट्स मान लीजिए, उसी बुक को दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अंडरलाइन कीजिए, काटिए, छांटिए, जो करना उसको बुक्स में करते रहिए। क्योंकि आप बता दें कि बेस बुक का नोट्स बनाते हैं तो नोट्स काफी बल्की होता है, उसको मैनेज नहीं कर पाए। नोट्स का मतलब क्या होता है, वट एवर इंफॉर्मेशन आर गिवन इन द केस ऑफ शर्मा सडाना एंड अवस्थी अनवस्थी, इफ यू गेट एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अदर देन दिस टू, उसको चाहे तो नोट्स बना के रख सकते हैं। लेकिन बेस बुक का नोट्स बनाए तो दैट नोट्स डज नॉट हैव एनी पर्पस। आपका एक पॉइंट हमेशा होता है, ध्यान रखिए, इस एग्जाम के लिए एक वर्ड होता है वैल्यू एडिशन। क्या मतलब हो? किस मूल्यों की बात कर रहे हैं? ना मानवीय कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ वैल्यू का मतलब इंपॉर्टेंस को लेकर चल रहे हैं। जो वैल्यू का मतलब ये होता है इंपॉर्टेंस। जैसे मान लीजिए हमने एक बुक पढ़ा और हम दूसरा बुक पढ़े और पता चला कि उस दोनों बुक का कंटेंट ऑलमोस्ट एक जैसा था, हमने टाइम तो दिया, क्या वैल्यू एडिशन हुआ? नहीं हुआ ना उस केस में। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पॉइंट समझिए, न्यूज़पेपर को आपने पढ़ा, उसको पढ़ के आपने उसका क्लिपिंग काटा, उसको फाइल में सजा के आपने रख दिया, फिर उसका आपने इंडेक्सिंग किया, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे जो आर्टिकल हम पढ़ के समझ के वहीं पे उसको फाड़ के फेंक सकते थे, उसको हमने काटा, फाइल में लगाया, उसको हमने इंडेक्सिंग किया ताकि अगले जनरेशन को काम आए, अपना टाइम तो उसमें निकल गया। उसके इसमें इट इज नॉट वैल्यू एडिशन। पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज यू, किसी भी टॉपिक का व्हेन यू रेफर फ्रॉम एनी बुक, ध्यान रखिएगा, उसको पहले सीरियसली पढ़िए। उससे क्या होगा, इफ यू रेफर टू 100 बुक्स ऑन सेम टॉपिक, रिमेंबर 80-90% कंटेंट इज सेम। डिफरेंस होगा वर्ड्स का, एक्सप्रेशन का, लैंग्वेज का, प्रेजेंटेशन का। जैसे मान लीजिए पॉइंट को समझने के लिए, आप जरा चीफ सेक्रेटरी पे आप 10 किताब पढ़ जाइए, चीफ सेक्रेटरी को लेके 90% बात वही मिलेगा। क्लियर? अब जो 10% कुछ नई बातें विच यू गेट अबाउट चीफ सेक्रेटरी, ये अगला बुक से कब पता चलेगा? जब पहले बुक को हमने सीरियसली पढ़ा। लेकिन पहले बुक को हमने नहीं पढ़ा सीरियसली तो हर नया बुक हमको लगेगा कि चीफ सेक्रेटरी के बारे में कुछ नया चीज बता रहा है। वो नया नहीं बता रहा है, वो नया क्या है, वर्ड्स है, एक्सप्रेशन है, प्रेजेंटेशन है, लेकिन जो कोर कंटेंट होता है दैट विल रिमेन द सेम। आपका द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज, एक बुक उठाते हैं उसको पहले सीरियसली पढ़िए, इतना सीरियसली पढ़िए कि आपको पता होना चाहिए उस बुक में क्या दिया, उसको हम थॉरली अंडरस्टैंड कर चुके, सो दैट व्हेन आई कम टू सेकंड बुक आई एम एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट न्यू पर्सपेक्टिव्स आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट बुक। उस पर्सपेक्टिव को चाहे तो नोट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। तो वो जो नोट्स होगा वो 10-20% होगा, 80% नोट्स तो ऑलरेडी आपके पास है इन द फॉर्म ऑफ योर बेसिक बुक आपका। क्लियर? तो इस पे ध्यान रखिएगा। और आपको बता रहे हैं इस एग्जाम में ज्यादा परेशान मत नहीं होना है, बहुत आसान एग्जाम है, इतना आसान एग्जाम है कि आपको बता नहीं सकते। शायद कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं कि इतना आसान एग्जाम कैसे हो सकता है। एक इंजीनियर, क्या उसने क्लास 10th के बाद कभी पढ़ा सोशल साइंस? और अगर आज के पैटर्न को लेकर चले तो जीएस का 90% सिलेबस का ओरिएंटेशन सोशल साइंस है। अगर 100% है तभी गलत नहीं होगा। अगर साइंस एंड टेक पूछता है तो कौन सा वो साइंस तो है नहीं, वो तो एप्लीकेशन पार्ट होता है। अब सोचिए जो सोशल साइंस का बच्चा जिसने ग्रेजुएशन में सोशल साइंस किया, पीजी सोशल साइंस किया, और एक इंजीनियर जिसने क्लास 10th के बाद कभी सोशल साइंस नहीं पढ़ा, ज्यादा बढ़िया किसका रिजल्ट हो रहा है? इंजीनियर्स का। अगर इतना ही नॉलेज का एग्जाम होता तो जो बच्चा अधिक टाइम पढ़ा उसके पास अधिक नॉलेज होगा। नॉलेज आज भी अधिक सोशल साइंस वाले के पास है, आपको बता दें। और इस एग्जाम की विडंबना है, जिसके पास अधिक नॉलेज है वो पास नहीं करता, जिसके पास रेलिवेंट नॉलेज है वो पास करता है। टेक्निकल लोग क्या करते हैं,
उनको इससे कोई मतलब नहीं कि क्वालिटी कितना जानते हैं, पब्लिक एड कितना जानते हैं, लेकिन उतना ही जानते हैं जो उनके काम का हो। और काम का मतलब क्या हुआ, जो एग्जाम के रिक्वायरमेंट को पूरा करे। वो 10 किताब नहीं पढ़ते हैं, एक किताब पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उनको पता है कि एक किताब कर लिए तो 70-80% काम तो हो ही गया हमारा। बाकी बच्चे क्या करते हैं, 80 किताब पढ़ते हैं और तब भी 80% नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पाते। इसीलिए मटेरियल को लिमिटेड रखिए, गो टाइम एंड अगेन, और इस एग्जाम में ज्यादा लोगों से मिलिए जुलिए में, कमरा बंद करके पढ़ लीजिए। ये एग्जाम बड़ा साइलेंट एग्जाम है, आपको बता दूं उसके से। ज्यादा एक्टिव रहिएगा मार्केट में, 10 तरह का सजेशन आएगा, 10 तरह का इनपुट आएगा, उसी में साल दो साल का टाइम निकल जाता है। बस सिलेबस आपके पास है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आपके पास है, बुक रीडिंग आपके पास है, थोड़ा मोड़ा गाइडेंस आएगी वो लीजिए, बाकी मस्त होकर पढ़ाई कीजिए। मार्केट क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, उससे एग्जाम में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये मान के चलिए कि टोटल लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, और रिजल्ट कितने का होता है, रफली 1000 मान के चलिए, जरा बताइए परसेंटेज कितना हो, 5 लाख में 1000 तो कितना परसेंट मान के चलिए, नहीं ऊपर होगा, ऊपर बताइए सर, 5 लाख अपीयरिंग कैंडिडेट हैं और 1000 सीट है, तो रफली कितना परसेंट होगा बताइए, 5 लाख में 1000 सिलेक्शन है तो कितना परसेंटेज हुआ, 0.5। आपको बता दें कि कितना बच गया, 99.5 बच गया जिनका रिजेक्शन हो रहा है। ये जो 0.5% बच्चे हैं, ये भी वही चीज कर रहे हैं, आप लोग को लगता होगा वो भी हिंदू पढ़ता है, वो भी एनसीईआरटी पढ़ता है, लेकिन क्या कारण है उसका और बाकी लोग का नहीं। इसका मतलब वो कुछ ऐसा जरूर कर रहा होगा जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे, और वो क्या कर रहा होगा, यही सब चीज कर रहा होगा। उसका मटेरियल लिमिटेड होगा, वो ज्यादा मार्केट में सुझाव सलाह नहीं लेता होगा, वो चुपचाप अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई करता होगा। उस अप्रोच को डेवलप कीजिए। अब सोचिए ना, टॉपर को कितना परसेंट मार्क्स आता है, 54-55%। क्या इतना परसेंट मार्क्स आप लोग पहले ला चुके हैं कि नहीं ला चुके हैं, 10th में आया था, 12th में आया था, ग्रेजुएशन में आया था, इसमें क्यों नहीं आएगा, आ सकता है, बशर्ते कि इस एग्जाम के रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए। और कोई बुक आप पढ़ते हैं, मैंने कहा ना 2 किताब पढ़िए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को रेफर कीजिए, आपको खुद पता चलेगा कहाँ पे हमारी वीकनेस है, उस वीकनेस को दूर कैसे करना, उसके लिए आई एम विथ यू एक्चुअली। लेकिन पहले ये तो पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करेंगे तब उसका सॉल्यूशन ज्यादा इफेक्टिव तरीके से दे पाएंगे। अगर प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करेंगे तो प्रॉब्लम आपका नहीं होगा, वो तो मेरा होगा। उसके से प्रॉब्लम किसकी होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए, और वो कब पता चलेगा, व्हेन यू गॉन थ्रू सर्वे से रेड्यूस। तो मेरी समझ से इफ यू हैव डिसाइडेड फॉर इट या येट टू डिसाइड, इस बेसिक किताब से पहले अपना स्टार्ट कीजिए उसके से, ठीक है। और 3-4 डेज में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ बैच, एक्चुअली ये लोग इन्फॉर्म कर देंगे आपको, ये लोग इन्फॉर्म कर देंगे आपको कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, तब तक बेसिक रीडिंग आप शुरू कर दीजिए। प्रसाद भी क्या कीजिए, शर्मा सड़ा थिंकर दिया हुआ है, उसको पहले पढ़ लीजिए, अगर उससे काम चल गया देन वाई टू गो प्रसाद प्रसाद। अगर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़े हैं तो शर्मा सड़ाना को समझने में आसानी होगी आपको उसके, लेकिन प्रसाद एंड प्रसाद तभी करना है शर्मा सड़ाना से थिंकर का काम ना चले उसके। इसलिए मैंने कहा टॉपिक वाइज जो बुक रीडिंग है दैट मस्ट बी सेकेंडरी, प्राइमरी क्या है, गिव इंपॉर्टेंस टू द बेसिक रीडिंग आपका। मैं आपको बता रहा हूँ कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री के रिजल्ट के बाद वो डिसाइड करते हैं पब्लिक एड लेना है, उनके पास टाइम कितना होता है, 75 डे, उतना बुक्स वो पढ़ नहीं सकते, इसी 2 बुक को मैनेज करके दे आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स। इसलिए हमने कहा कि ज्यादा बुक बढ़ाने का मतलब थोड़े कंटेंट बढ़ता है, कंटेंट तो वही है, और जो बढ़ता है उसकी कोई जरूरत नहीं, क्या बढ़ा, वर्ड्स, प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन, लैंग्वेज, पैराग्राफ में बढ़ता है, चैप्टराइजेशन चेंज होता है, लेकिन बेसिक कोर कंटेंट तो वही रहेगा। वो आपने थिंकर पढ़ा, मान लीजिए आपने पढ़ा वुड्रो विल्सन को, अब वुड्रो विल्सन के बारे में बेसिक बात तो हर कोई लिखेगा, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डायकोटोमी सब लिखेगा,
साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सब लिखेगा, विल्सन गिव इंपॉर्टेंस टू कॉम्पेरेटिव स्टडी, हर कोई लिखेगा, हर कोई लिखेगा विल्सन इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हर कोई लिखेगा विल्सन का बुक एसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश्ड इन द ईयर 1897। यही चार पांच तो पूरा विल्सन है। अब इसी चार पांच चीज को आप 10 किताब से पढ़िए या अच्छे से एक किताब से पढ़िए, कोर कंटेंट विल रिमेन द सेम आपका जाए। इसलिए ज्यादा बुक्स को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा कि दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लीजिए, ज्यादा मेमोराइज भी नहीं करना पड़ता इसमें, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, चूंकि सब्जेक्ट में इंटरलिंकेज है तो उसमें कैसे, मान लीजिए कहीं पढ़िएगा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, आपने पढ़ा होगा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच का अंतर क्या। अब बुक्स में 15-20 पॉइंट होते हैं, अगर बच्चा एक पॉइंट समझ जाए तो बाकी 15-20 तो खुद ही लिख सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव है पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करना, और प्राइवेट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मोटिव। अब बताइए किसका ऑब्जेक्टिव ब्रॉड होगा, पब्लिक इंटरेस्ट या प्रॉफिट मोटिव? पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा फंक्शन किसका होगा, पब्लिक एड का। अब देखिए अलग पॉइंट थोड़ी है, जब पब्लिक एड का ज्यादा फंक्शन होगा तो ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन किसका होगा, पब्लिक। कहां से उठाया, एक पॉइंट उठाया। इसीलिए किसी भी इशू को पढ़ते हैं, एक होता है प्राइमरी फैक्टर, एक होता है डेरिवेटिव फैक्टर। अगर सब्जेक्ट को आपने अंडरस्टैंड किया तो आपको प्राइमरी फैक्टर याद करना होगा, डेरिवेटिव तो आप खुद ही बना देंगे, और सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हर फैक्टर आपको प्राइमरी नहीं। अब जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल होता है इंटरनल एक्सटर्नल, या प्राइवेट का सिर्फ क्या होगा इंटरनल। क्यों कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल कंट्रोल, क्योंकि पब्लिक एड को सर्व करना है पब्लिक कंट्रोल, तो पब्लिक हैज द राइट टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक पॉइंट उठाए, और पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्टिव आपका। तो इस तरह से चीज को अंडरस्टैंड करके पढ़ना, और हमेशा ध्यान रखिएगा एक होता है रीडिंग द लाइन्स, एक होता है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, एक होता है रीडिंग बिहाइंड द लाइन्स। अब जो क्वेश्चन का ट्रेंड है इट इज नॉट बेस्ड ऑन रीडिंग द लाइन्स, लाइन्स को पढ़ते हैं, लाइन्स के बीच का गैप पढ़िए और उसके पीछे का भाव पढ़िए। और पीछे के भाव का मतलब क्या होता है, कहा जाता है पूरे यूपीएससी में अगर आपने W को कमांड कर लिया, और बड़ा ये डेडली वर्ड होता है, व्हाट नहीं व्हाई हाउ ये सब इसका है। तो इसलिए व्हाट हर चीज के देखिए, व्हाट को देखिए, वर्ड का मतलब क्या कि W को लेकर कहने का मतलब उसके जितने डायमेंशंस होते हैं, व्हाट व्हाई व्हेन, यही सब को देखना है बेसिकली आपको। और ये कब क्लियर होगा, जब सब्जेक्ट को विद अंडरस्टैंडिंग आप देखें। इसीलिए फॉरगेट अबाउट पब्लिक एड, पूरा यूपीएससी का एग्जाम ही जो है इट इज बेस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग। और यही कारण है कि टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे ज्यादा अच्छा करते हैं, अगर फैक्ट का होता तो ज्यादा अच्छा करता सोशल साइंस के बच्चे, और खास करके इलाहाबाद के बच्चे जिनको इतना याद करने की कैपेसिटी है। अगर उनको बता दीजिए कि क्वेश्चन इस किताब से पूछेगा तो उससे पूछेगा तो कभी गलती नहीं करेगा, लेकिन उसके बाहर से अगर एक भी चीज पूछ दिया नहीं कर पाएगा। तो आप देखिए आईएपीए का जर्नल्स वगैरह उसको पढ़ना है, लेकिन जर्नल्स में क्या कीजिएगा, उसमें आपको 25-30 जर्नल फोटोकॉपी करा के हम दे देंगे, ठीक है, जो आपके काम का। तो देखिए ध्यान रखिएगा, नो सच बुक हैज बीन रिटन फॉर यूपीएससी। आईआईपी जर्नल निकालता थोड़े आईएएस वालों के लिए, तो निकालता एकेडमिक के लिए, हम लोग को यूज करना पड़ता है। इसलिए क्या कीजिए, सोर्स वही रहता है लेकिन सोर्स को कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो हम लोग सेलेक्टिवली उसमें करें। और उसमें कहता है जर्नल को पढ़ते हैं, आप लोग क्या है आर्टिकल देख के पढ़िएगा, हम चूज करके देंगे आर्टिकल प्लस ऑथर, क्योंकि हर ऑथर की उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। हम लोग को पता है कि अगर एक ही आर्टिकल दो ऑथर ने लिखा तो किस ऑथर को अधिक हम लोग बेस मान के चलेंगे। तो जर्नल्स वगैरह के बॉदर मत कीजिए, और जर्नल्स का बेसिक काम क्या होता है बता दें कि जर्नल्स का जो रीडिंग होता है, रीडिंग है, वो कभी आंसर का फॉर्मेट नहीं होता है, आंसर का बेस तो बुक्स होगा। जर्नल्स क्या करता है, आपके आंसर को थोड़ा बेटर करता है, परफेक्शन लाता है। तो परफेक्शन के पहले तो बेस मजबूत करना पड़ेगा, तो पहले बेस मजबूत कीजिए थ्रू बुक्स आपका, एंड देन यू कैन सप्लीमेंट विद जर्नल्स आफ्टर। वो सब इसलिए आपको भी नहीं बता रहे हैं कि वो सब ऐसा काम है जिसके लिए बहुत एफर्ट आपको नहीं करना है, लेकिन अधिक एफर्ट क्या करना है, पहले सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना। जर्नल तो सप्लीमेंट करेगा, जर्नल्स है, न्यूज पेपर्स है, मैगजीन्स है, वो सब करते रहिए, दैट विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग टू बिकम मोर परफेक्ट आफ्टर। ठीक है, चलिए तो
और मैगजीन जैसे जीएस के लिए पढ़ते हो पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो मैगजीन आप जीएस के लिए करते हैं उसको आप कीजिए, और मैगजीन से अच्छा होता है न्यूज़पेपर देखिए उसके, ठीक है। न्यूज़पेपर चुको देखिए, एक न्यूज़पेपर आप सिंसियरली पढ़िए, ठीक है। और न्यूज़पेपर को पढ़ने के टाइम बता दें कि न्यूज़पेपर हर कोई पढ़ता है, रिक्शा वाला भी पढ़ता है, चाय वाला भी न्यूज़पेपर पढ़ता है, लेकिन हर व्यक्ति न्यूज़पेपर में अपने काम का चीज निकालता है। आप अपने काम का चीज निकालिए, आपके काम का चीज क्या है जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है, क्लियर। या उसको करने में थोड़ा सा दिक्कत हो, मैं स्टार्टिंग में जो बच्चे नए हैं उनका तरीका बताते हैं, पहले न्यूज़पेपर के सारे हेडिंग्स को पढ़ जाइए, जो हेडिंग आपको इंटरेस्टिंग ना लगे उसको सीरियसली पढ़िएगा, और जो हेडिंग आपको मजा आए उसको मत पढ़िएगा उस केस में, क्योंकि जो हेडिंग इंटरेस्टिंग नहीं होता है वो एग्जाम के काम का होता है, और जो हेडिंग आपको इंटरेस्टिंग लगेगा वो कभी एग्जाम के काम का नहीं होता है। मैंने कहा नोट्स बिल्कुल मत बनाइए, बेसिक रीडिंग का नोट्स नहीं बनाना है। जैसे एक बुक आपने पढ़ा, बेसिक बुक है न्यूज़पेपर में, जैसे जो चीज मान लीजिए आप पढ़ के अंडरस्टैंड कर गए, देन व्हाई टू गो फॉर नोट्स मेकिंग। जैसे पढ़ने के टाइम में खुद आपको पता चलेगा ये पॉइंट हमको हमेशा याद नहीं रहेगा ध्यान में, उसको चाहे तो पॉइंट वाइज लिख लीजिए उसके। अक्सर आप सुनते होंगे कई बार लोग टॉपर्स का नोट्स पढ़ के एग्जाम पास नहीं कर पाते, क्योंकि नोट्स हमेशा इंडिविजुअल का होता है। अब हम जो नोट्स बनाएंगे वो हमारा परसेप्शन होगा, हमारे प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा, इनका नोट्स इनके पर डिस्कस करेगा। इससे नोट्स मेकिंग हमेशा बनाइए अपने इंडिविजुअल लेवल पे, जो कि आपको काम दे। और आपको काम देने का मतलब क्या है, जैसे कुछ डाटा है, कुछ फैक्ट है, हमको लगता है कि लंबे समय तक इसको हम ध्यान में नहीं रख पाएंगे, तो नोट्स बना के चलिए उसके इसमें। और नोट्स हमेशा बनाइए सिनॉप्टिकल तरीके से, कभी ऐसे टाइप नोट्स नहीं बनाना है जो क्वेश्चन का फॉर्मेट हम लोग को नहीं पता होता है। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट पता हो तब तो नोट्स डिस्क्रिप्टिव बनाने का फायदा है, जब क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं पता है तो नोट्स हमेशा बनाइए पॉइंट वाइज या सिनॉप्टिकल वाइज। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए, फिर बाकी कोई दिक्कत होगा तो डायरेक्ट शुरू कीजिए।